मुंबई भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर संक्रमण की संख्या का तेजी से विस्तार हो रहा है। बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के निर्देश पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो वार्ड 29 नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका मकसद कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा और ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किया गया था। ब्लड की कमी ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ठाकुर सागर सिंह ने भाजपा, जो कि भाजपा नेता है, जो जनता के साथ हमेशा उनके साथ मदद के लिए तात्पर नजर आते हैं। कोविड-19 में ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रक्तदान शिविर के दौरान दिया गया था। आए हुए अतिथि भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातलकर, उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनकर को ठाकुर सागर सिंह ने शॉल उठाकर और फूल देकर स्वागत किया। वहीं आए हुए रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी दौरान उत्तर मुंबई प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी, भाजपा मुंबई सचिव विनोद शैलार, भाजपा कांदिवली उपाध्यक्ष श्याम भावसर, नितिन चौहान महामंत्री, आशुतोष पांडे महिला मोर्चा महामंत्री, अनीता तावड़े सहित पदाधिकारियों व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो है रक्तदान शिविर यहाँ पे नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह जी द्वारा वार्ड 29 में आयोजित किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी के समय पर मुंबई शहर में रक्त की कमी है ऐसा मीडिया और वृत्तपत्र में आया छपकर, और उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सभी नगर सेवकों ने मिलकर तय किया कि हम 5,000 बोतल इकट्ठा करेंगे, और 25 दिन के पहले ये कैंप का प्रारंभ किया हमने। और मुझे खुशी होती है इस बात को आज बताते हुए कि आज हम 4,500 तो कल क्रॉस किया, आज 3 जगह पे कैंप है और कल 5 जगह पर है। हम कल 5,000 क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। इसमें बड़े पैमाने पे पार्टी के कार्यकर्ता और एनजीओस ने साथ और सहयोग दिया है, और आज मुंबई शहर में 25 दिन के पहले जहाँ रक्त की कमी थी, आज सरप्लस ब्लड है, इस प्रकार की स्थिति में हम आए हैं। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम करने से जो शहर के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है और कोरोना को मात करने का ये भी एक जरिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी समाज ने साथ में मिलकर काम करके मुंबई शहर के लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है और हमारे पार्टी के सभी विधायक सभी नगर सेवक सभी कार्यकर्ताओं ने साथ और सहयोग दिया, इसलिए ये मिशन को मैं पूरा कर पाया, इसलिए मैं बहुत ही समाधान व्यक्त करता हूँ। सबसे प्रथम तो मैं नगर सेवक ठाकुर सागर सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सभी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी ने कई दिन पहले ये ऐलान किया था कि 5,000 प्लस ब्लड बॉटल्स हम इकट्ठा करेंगे और निश्चित तिथि के पहले ही 5,000 से ज़्यादा बॉटल यह अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तर मुंबई में इकट्ठा हो गए। इसके लिए भी मैं गोपाल शेट्टी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथ में जो सभी सामाजिक संगठन यहाँ से लेकर पूरे उत्तर मुंबई में हमारे साथ जुड़ गए, ऐसे सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गोपाल शेट्टी जी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा है कि उत्तर मुंबई के हमारे लाडले सांसद आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी के आह्वान पर जब उन्हें पता चला कि मुंबई में खून की कमी है, उन्होंने पूरे उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, जनप्रतिनिधि और प्रमुख कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हमें 5,000 खून की बोतल जमा करनी है। उसके बाद में पूरे उत्तर मुंबई में अभियान ये जोर शोर से शुरू है। परसों तक का फिगर हमारा 4,300 का था, कल हम 4,700 के पार पहुंच चुके हैं और आज शायद हम 5,000 के पार जाएंगे, और कल भी और कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सर, आपके द्वारा कितना बार रक्तदान किया गया? मैं रेगुलर रक्तदान करता हूँ। गत बार जब 17 फरवरी को पूरा केंद्र में जब कार्यक्रम हुआ था तब मैंने रक्तदान किया था और टीका ले चुका हूँ, इसलिए इस बार थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, वरना हर 3 महीने के बाद मैं खुद रक्तदान करता हूँ। और हमारे पास इच्छुक रक्तदाताओं की पूरी यादी भी है, जब कभी किसी को खून की आवश्यकता लगती है हम उनसे संपर्क करके उन्हें खून देने की व्यवस्था करवा देते हैं। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में मैं इतना ही कहूँगा कि संकट बड़ा गहरा है, लेकिन हम इससे पार हो सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोरोना जब तक आखिरी पेशेंट आना बंद नहीं होता तब तक कोरोना जाने वाला नहीं है, महामारी है। अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालते समय अपने परिवार को संभालिए, परिवार के साथ में समाज की भी
रक्षा करने का जिम्मा हमारे ऊपर है, हमें वह भी काम करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते समय हम सारे नियमों का पालन करें, इतनी मैं सभी से विनंती करूंगा। लॉकडाउन लगने से जनता को सुरक्षा मिलेगी? नहीं, ऐसा है कि लॉकडाउन ये उसकी एक क्या कहते हैं हम, उसे पार आने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें एक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन कैसे लगाना चाहिए कैसे नहीं, हर कोई पार्टी जो इस समय सत्ता में है ये उसके ऊपर निर्भर होता है। और मुझे लगता है कि सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने से निश्चित रूप से हम कोरोना से बाहर आने में हमें मदद मिलेगी। मेरे को हंसी आ रही। सबसे पहले मैं तो जो यहाँ पर आए हुए लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की वार्ड क्रमांक 29 की जो टीम है उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने दम पर जो कार्यक्रम आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है। और आज का कार्यक्रम ये है कि हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने पूरे जिला से 5,000 ब्लड बैंक का जो संकल्प उठाया था, तो ये मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कि ये वार्ड क्रमांक 29 की तरफ से एक छोटा सा योगदान है हमारी तरफ से कि हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी का जो संकल्प है वो पूरा हो।